फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी विद बेबी रानी ब्लॉग। और मैं बेबी, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 60 मिनट में वेज थाली की रेसिपी। इसे आप 60 मिनट में बना सकते हैं। अचानक से कोई गेस्ट आते हैं घर में तो अचानक से आप 60 मिनट में वेज थाली की रेसिपी बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेज थाली की रेसिपी। तो मैंने जैसे कि टाइम दिखा दिया, अभी 1 बज रहे हैं, तो 2 बजे तक मुझे अपनी रेसिपी फिनिश करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे कि हमारे पास 2 चूल्हे हैं, अगर आपके पास 3 या फिर 4 चूल्हे हैं तो आप आराम से कर सकते हो। अगर 2 चूल्हे हैं तो थोड़ी सी आपको तैयारी करनी होगी पहले। तो सबसे पहले देखिए फ्रिज में क्या है। तो मैंने फ्रिज से निकाल लिया, आप देख सकते हैं ये सारे सब्जियां। और सबसे पहले मैंने पानी को गर्म होने के लिए रखा है, पानी उबाल के रख लिया है। अभी ज्यादा गर्म हो रहा था तो मैं उसका गैस बंद कर दी हूँ। तो पानी उबला हुआ है तो जैसे सब्जी में उबला हुआ पानी डालने में काम आएगा, तो उसमें टाइम बच जाएगा। तो पानी उबाल लिया और सारे तैयारी कर लिए, जैसे कि मसाला निकाल लिया है और ये सारे सब्जियों को धो के रख लिया है। और ये प्याज छील लिया, टमाटर निकाल लिया है और दाल को धो के रख लिया। और आलू लिया है जिसे हमने छील लिया है, छील के पानी में डीप करके रखा, अभी कट कर लेंगे। और सबसे पहली तैयारी आपको ये करनी होगी कि आप घर में रेगुलर अदरक और लहसुन का पेस्ट बना करके रखिए, तो उससे किचन में बहुत ज्यादा टाइम बचती है और हमारा ये काम फिनिश होता है ना, तो खाना भी जल्दी से बन जाते हैं। तो ये देखिए मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट पीस के बना के रखा है। तो इसे बनाना बहुत आसान है, आप अदरक लहसुन का छील लीजिए और उसमें पीसने के टाइम में नमक सरसों का तेल डाल करके पीस लीजिए। आप चाहे तो हल्दी भी डाल सकते हैं और ये 10 से 15 दिन चल जाता है। तो आज मैं इसे आज अभी बनाई थी तो इसीलिए अभी देखिए थोड़ा सा बना है। वैसे मैं इस डब्बे में भर के बनाती हूँ तो 10 से 15 दिन चल जाता है, बिल्कुल खराब नहीं होता। आप चाहे तो फ्रीजर में रखें, बनाने से आधा घंटा पहले निकाल लीजिए तो फिर ये नॉर्मल सॉफ्ट बन जाता है। वैसे मैं फ्रीजर में नहीं रखती हूँ, वैसे नॉर्मल फ्रिज में रख देती हूँ, तो इससे आपको बहुत ज्यादा टाइम का बचत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं तार बना लेती हूँ, पानी एक साइड गर्म है। तो चलिए मसूर के दाल वैसे पतीले में भी बन जाते हैं, पर आज मैं इसे कुकर में सीटी लगाऊंगी। तो 200 ग्राम मसूर के दाल में 500 ग्राम उबला हुआ पानी डाला था। उबला हुआ पानी डालने से टेस्टी बनते हैं दाल। इसमें मसाला में डाल दिया हल्दी और नमक, थोड़ा सा तेल डाल करके इसका ढक्कन बंद कर देंगे, 2 सीटी लगा लेंगे। 2 सीटी में मसूर की दाल अच्छे से पक जाते हैं। और पानी जब भी कुकर में बनाते हो ना तो मसूर के दाल में पानी थोड़ा कम डालो तो अच्छी बनती है। दाल जब तक बन रही है दूसरे साइड में मसाला भून लेती हूँ। इसमें लिया है 4 लौंग, धनिया साबुत 2 चम्मच, 2 चम्मच सौंफ 1 चम्मच, भर के कसूरी मेथी 2 से 3 दालचीनी, और इसमें डालेंगे 8 से 10 काली मिर्च, 1 चम्मच भर के जीरा, 3 से 4 लौंग। आप चाहे तो इस जगह पे तेज पत्ता भी रोस्ट कर सकते हो। और धीमी आंच पर जब तक मसाला रोस्ट होगा तब तक मैं आलू को मोटे पीस में कट करके तैयार कर लूंगी, जो कि मैंने छील के पहले से डीप करके पानी में रखा है। मसाला भून गया, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इस कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रखेंगे। और दूसरी साइड दाल भी बन गई है तो इसमें बना लूंगी सेवइयां खीर। तो इसे बनाने के लिए 500 ग्राम दूध डाला है, उबला हुआ दूध है। तो पहले दूध को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और इसमें भुना हुआ सेवइयां डाल देंगे। ये 500 ग्राम दूध के बना रही हूँ और जल्दी से बन जाते हैं। पहले सेवइयां को एक बार उबलने देंगे, फिर इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल देंगे। आप चाहे तो इस जगह पे कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है सेवइयां। सोया चाप मैं साबुत ही फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि मैं फ्रिज से निकालना भूल गई थी तो ये कट नहीं रहा था। सेवइयां में चीनी डाल दिया मिक्स करके,
छोड़ देंगे थोड़ी देर, तब तक चीनी घुलेगा। और यहाँ पे सोया चाप को फ्राई कर लेंगे। सोया चाप को फ्राई कर के बनाने से जल्दी से सब्जी बन जाते हैं। सेवइयां बनके तैयार है। इसी के ऊपर दाल रख देंगे तो सेवइयां हमारा गरम रहेगा। जब तक तेल गरम हो रहा है, यहाँ पे तेल ना थोड़ा सा मैं ठंडा होने के लिए रख दी हूँ, जिसमें चाप फ्राई किया था। और यहाँ मसाला तैयार कर लूंगी बैंगन को फ्राई करने के लिए। 1 चम्मच बेसन डाला, रेगुलर मसाला डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, धनिया और जो मैंने मसाला पीसा है 1 चम्मच वो मसाला, अमचूर पाउडर, हींग थोड़ा सा डाल देंगे, वही जो रेगुलर मसाला डालते हैं ना, पर इसमें बेसन जरूर डालना। उससे बेसन डालने से ना बैगन के ऊपर मसाला चिपक जाते हैं तो सब्जी अच्छी बनती है। और मैंने बैगन को गोल पीस में कट करा है, इसके ऊपर मसाला इस तरीके से लपेट देंगे। पानी या फिर तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी बैगन फ्राई करो उसी टाइम कट करो तो ये काला भी नहीं पड़ते हैं, और इसके अंदर पानी होता है तो उसके वजह से इसके ऊपर मसाला चिपक जाते हैं। ये बचा हुआ जो मसाला बचेगा ना सोया चाप में डाल देंगे, बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए दूसरे साइड ना मैं यहाँ पे आलू फ्राई कर लूंगी, और एक साइड इस बैगन को फ्राई होने के लिए रख दूंगी। और बैगन को बीच बीच में चेक भी करेंगे, पलट भी लेंगे ताकि जल ना जाए। तो इसमें आ नहीं रहा था तो मैं ये बड़ा सा नॉनस्टिक तवा ली हूँ, ताकि इसमें सारे एक बार में ही बैगन फ्राई हो जाएगा। तो बैगन को जब भी फ्राई करो तो पहले तेज आंच पे फ्राई करो, तभी बैगन पकती है, नहीं तो बैगन पकती नहीं है। ढक्कन बंद करके बैगन पकने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पे सोया चाप को छोटे पीस में कट कर लेती हूँ। और मैं इस सोया चाप में मसाला मतलब डाल दूंगी, और बीच बीच में टाइम जैसे निकलता है ना तो सब्जी को भी बीच बीच में चेक कर लेंगे। थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है कि मतलब इधर उधर दिमाग भटके ना, तो हमारा काम जल्दी से निपट जाता है। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी के पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, और वही भुना हुआ पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच हींग डालेंगे, और इसमें डाल देंगे हम चून के पाउडर या फिर चाट मसाला, दही डालेंगे लगभग 1 कप के करीब। दही खट्टा यूज नहीं करना, नहीं तो सोया चाप खराब हो जाएगा। तो फ्रेश दही मैंने 1 कप लिया। इसे मिक्स करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, या फिर जल्दीबाजी है तो तुरंत भी इसे बना सकते हैं। तब तक मैं यहाँ पे शिमला मिर्च भी कट कर लेती हूँ। आलू फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेंगे। और मैं दूसरी पैन में शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लेती हूँ। बैगन को एक बार पलट देंगे और फिर से ढक देंगे। शिमला मिर्च को 2 से 3 मिनट तक तेज आंच पे फ्राई करेंगे, ज्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे। इसके बाद इसमें फ्राई किया हुआ आलू को डाल देंगे, और मसाला डाल देंगे 1 चम्मच जो मैंने पीस के रखा, हल्दी पाउडर, धनिया के पाउडर, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर। इससे थोड़ा सा खट्टा बनेगा सब्जी, चटपटा अच्छा लगता है खाने में। गरम मसाला पाउडर भी डाल देते हैं, हींग डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और उससे पहले नमक डालना जरूर भूल मत जाना। और इसमें ना 3 से 4 हरी मिर्च भी डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखा नहीं होता है तो इसीलिए मैंने हरी मिर्च डाला है। आप चाहे तो रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं तीखा के लिए। थोड़ा सा पानी डाल देंगे मिक्स करके, और ढक्कन बंद कर देंगे। दूसरी साइड सिम पे छोड़ देंगे पकने के लिए। और यहाँ पे बैगन हमारा तैयार है तो इसे हम एक बार पलट देंगे और इसी तवा पे छोड़ देंगे। जो भी थोड़ा सा कसर होगा ये अपने आप पक जाएगा। अब क्या करेंगे, दूसरी पैन में मैंने बटर को पिघला लिया है, इसमें डाल देंगे सोया चाप, और सोया चाप को 5 से 7 मिनट तक ऐसे खुले में ही फ्राई कर लेंगे। दही डाला है तो उसकी वजह से पानी छोड़ देते हैं, तो पानी सूखने देंगे। आंच को
धीमी से थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ताकि पानी जल्दी से सूख जाए। वैसे तो फ्राई किया हुआ ही है। और ये देखिए यहाँ पे सब्जी का पानी सूख गया है। वैसे सब्जी हमारा ऑलमोस्ट बनने ही वाली है तो इसका भी ढक्कन बंद कर देंगे। बीच बीच में ये चेक कर लेंगे, जब टाइम बचेगा तो और भी काम निपटाना है। तो यहाँ पे मैं सोया चाप बनाने के लिए 3 प्याज और हरी मिर्च का बारीक पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। जरूरत के अनुसार पानी डाल देंगे। और ये सोया चाप का भी पानी सूख गया है, फ्राई हो गया है। और ये सब्जी भी बनके तैयार है, तो इसे भी साइड में रखेंगे, सोया चाप को भी साइड में रखेंगे। और मैं एक साइड बना लेती हूँ, राइस बनाऊंगी, जीरा राइस बना लेती हूँ। और दूसरे साइड मैंने कढ़ाई में जो सोया चाप फ्राई किया था ना, उसका और तेल निकाल करके प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डाला, पिसा हुआ मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जो भी रेगुलर मसाला है डेली हम यूज करते हैं वो डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे और इसे भी ढक्कन बंद करके पकने देते हैं 5 मिनट के लिए। तब तक हम चावल में तड़का लगा लेंगे। तो शुरुआत में ही मैंने चावल को धो के रखा था, मैंने आपको दिखाना भूल गई थी, तो ये सब काम पहले ही करके रख ली थी। इसमें डाल दिया 1 चम्मच बटर, बटर मेल्ट होने के बाद 1 चम्मच जीरा डाल दिया। और जैसे ये तरक जाएगा ना, तो ये धुला हुआ 2 गिलास चावल डाल देंगे। पक्का चावल मैं बना रही हूँ, अगर आप कच्चा चावल बना रहे हो तो उसमें 2 गिलास में 2 गिलास पानी डालना, पर मैं पक्का बना रही हूँ तो 2 गिलास में 3 गिलास पानी डालूंगी। 1 गिलास चावल में 1.5 गिलास पानी जाता है। बस इसका भी ढक्कन बंद कर दूंगी। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ताकि चावल फीका ना लगे। और इसमें भी मैं 2 सीटी लगा लूंगी। 2 सीटी में चावल अच्छी खिली खिली बन जाती है। और यहाँ पे मसाला को एक बार चेक कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर से इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। मसाला अच्छे पकते हैं तभी सब्जी बनती है टेस्टी। मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। मैंने इसमें डाला है 4 टमाटर लाल लाल बारीक पेस्ट बना करके। मसाला डाल दिया जो बैगन के बचा हुआ था, पानी और नमक डाल करके मिक्स कर लेंगे। और फिर इसका ढक्कन बंद करके छोड़ देंगे पकने के लिए तेज आंच पे। बस इसमें एक उबाल आ जाए तो ये देखिए मसाले में उबाल आ गया है। अब इसमें सोया चाप को डाल देंगे, फिर से मिक्स कर लेंगे और बस इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा चावल भी बन गया, खीर, 2 सब्जी बन गई और ये सोया चाप भी बन गए हैं। तब तक मैं बीच में ना सलाद काट लूंगी, बीच बीच में काम निकाल, मतलब टाइम निकाल के। और यहाँ पे दाल में मैं तड़का लगा लेती हूँ। तो इसमें डाला है घी, गरम होने के बाद 5 फोरन डालेंगे और लहसुन, हींग डाल देंगे पहले और इसके बाद डालेंगे लहसुन। लहसुनी दाल बना रही हूँ तो लहसुन और लाल मिर्च कट करके डाल दिया। धीमी आंच पे इसे लहसुन को ना डार्क गोल्डन करना है। और सोया चाप इधर बन गई है, तब तक हमारा तड़का भी तैयार हो रहा है। तब तक मैं पापड़ फ्राई कर लेती हूँ। पापड़ के बिना तो खाना अधूरी होती है। जी हाँ फ्रेंड, मैंने यहाँ पे रोटी नहीं बनाई थी, तो आप इसी टाइम फटाफट से 4-5 रोटियां भी बना सकते हैं। तो ये देखिए दाल में लग गई है घी के तड़का, इसका तुरंत ढक्कन बंद कर देंगे। और यहाँ पे मध्यम गरम तेल होने के बाद ही थोड़ा सा आंच को धीमी कर लेंगे, फिर पापड़ फ्राई करेंगे। पापड़ को रख देंगे चावल के ऊपर ताकि पापड़ सॉफ्ट ना हो। और ये देखिए अब हम काट लेंगे सलाद। बिल्कुल 60 मिनट में हमने ये रेसिपी फिनिश कर ली थी, तो आप भी ये तरीका ट्राई कर सकते हैं। तो फटाफट से सलाद काट लेंगे और फिर हम सारे खाना मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सर्व करने में हमें 5 मिनट टाइम लग गया था।
बस हमारा सलाद भी कट के तैयार है। आप चाहे तो इसमें नमक और नींबू छिड़क सकते हैं, पर हम लोग ना सिंपल ही खाते हैं, तो बस कट करके प्लेट में सजा लिया। अब बच गई है लस्सी बनाना। लस्सी बनाने के लिए मैंने इसमें डाला काला नमक, पिसा हुआ जीरा के पाउडर भुना हुआ, और मिक्सी में मैंने झट से पीस लिया दही और इसमें डाल दिया। तो लीजिए लस्सी भी तैयार हो गई। तो चलिए अब प्लेटिंग की बारी आती है। पूरे 1 घंटा 5 मिनट लगा है, जो कि सलाद काटने में टाइम लगा है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, और किचन फैला हुआ है तो उससे मैं साफ करती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना।